आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यहीं से जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से 6800 के लेवल्स टच करने के बाद एक बार फिर से ऊपरी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग बनी है, मुनाफा वसूली बनती नजर आई है। आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में अभी उठापटक का माहौल जारी रह सकता है या फिर सोयाबीन में आगे जाके कहीं सस्टेनेबिलिटी भी देखने को मिलेगी और कीमतें एक बार फिर से 6800 से 7000 के बीच ट्रेड करती नजर आएंगी? देखिए सोयाबीन के अंदर एक चीज आप समझिए कि अराइवल पीरियड में नवंबर दिसंबर सबसे अच्छा अराइवल पीरियड माना जाता है, जिसके बावजूद हमने प्राइसेस को 5100 से घूमते हुए देखा। हमारा धारणा जरूर ये था कि 6000 तक का ही लेवल जाएगा, बट बियॉन्ड दैट हमने प्राइसेस को जाते हुए देखा है। पॉलिट्री इंडस्ट्री की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। बीच में हमने देखा कि इंपोर्ट्स को लेकर भी कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, बट वो रिजेक्शन हुआ, उसके बाद प्राइसेस में जंप आया। टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइसेस में 7000 का लेवल तो डेफिनेटली जनवरी मिड या जनवरी एंड तक दिखा देगा। हाँ, जब जब भाव में बड़ी तेजी आती है एक अराइवल प्रेशर आना चालू हो जाता है, क्योंकि अभी भी फार्मर्स को उम्मीद है कि भाव में जबरदस्त तेजी रहेगी, इसलिए पूरा एक साथ अराइवल नहीं आ रहा मार्केट में, रुक रुक के आ रहा है। आज मुझे लगता है कि थोड़े से ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी गिरावट है और सोया में भी अगर हम इंटरनेशनल में देखें तो 1280 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है सोयाबीन में एक पुलबैक है जो 6000 तक का लेवल दिखा दे, 5900 से 6000 के पुलबैक पे हम सोयाबीन लेके चलेंगे। ओवरऑल हमें लगता है जनवरी एंड तक 7000 का लेवल हम क्रॉस कर सकते हैं। जी,